गरीब चुड़ैल माँ बेटी की जन्माष्टमी। आधी रात का समय होता है, गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। वहीं एक घर में एक माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी सो जा बेटी, तुझे पता है ना रात के समय वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी गांव में यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं। किसी को नहीं पता वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी किसको क्या नुकसान पहुँचा दे। माँ, चुड़ैल माँ बेटी लोगों को इस तरह परेशान क्यों करती हैं? क्यों वह हम गांव वालों के ऊपर इस तरह अत्याचार करती हैं? उन दोनों को हम गांव वालों को इस तरह परेशान करने से क्या मिलता है माँ? हालांकि आज तक उन दोनों ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन चुड़ैलों का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए मेरी बात को समझो, अब सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। सविता के कहने पर उसकी बेटी सो जाती है, जिसके बाद आधी रात के समय गांव में चुड़ैल माँ बेटी वहां से यहाँ घूमने लगती है। कहाँ है सब लोग, कोई दिखाई नहीं दे रहा? अरे, जन्माष्टमी का दिन आने वाला है और गांव में इतना सन्नाटा हो रखा है। इन गांव वालों को क्या जरा भी जन्माष्टमी का त्योहार बनाने में दिलचस्पी नहीं है? काश के मरने से पहले हम लोग अमीर होते तो हमारी आखिरी इच्छा पूरी हो जाती। अरे माँ, इन गांव वालों से अच्छा तो हम दोनों थे, गरीब थे, लेकिन हमें हर जन्माष्टमी पर कान्हा जी के लिए लीला रचना और उनके इस त्योहार को, उनके जन्मदिन को कितने अच्छे से मनाते थे हम। चिंता क्यों करती है मेरी प्यारी बेटी, हम इस बार भी जन्माष्टमी के त्योहार को अच्छे से मनाएंगे। माना अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अब हम चुड़ैल बन चुकी हैं तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा, तू बस देखती जा। चुड़ैल ऐसा कहने के बाद गांव के एक आदमी की दुकान के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर कृष्ण बनने के कई सारे अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं और राधा जी के आभूषण रखे होते हैं, वही मोर के पंख भी होते हैं। देखा बेटी, मैं तुम्हें ले आई, यहाँ लो, अब तुम अपनी पसंद की सारी चीजें यहाँ से ले सकती हो। चुड़ैल की बेटी वहाँ से अपनी पसंदीदा चीजें लेने लगती है, लेकिन तभी लालू राम की आंखें खुल जाती है और वो नींद से जागने के बाद अपने आप से कहता है, अरे कल जन्माष्टमी है और मेरी दुकान टकाटक भरी हुई है, किसी ने मेरी दुकान में लूट मार मचा ली तो क्या होगा, वैसे भी बड़ी ही अजीब खटपट सी आवाज आ रही है। जरा एक बार दुकान की तरफ जाकर देखता हूँ। लालूराम ऐसा सोचकर अपनी दुकान की तरफ जाने लगता है। दुकान का शटर खुला हुआ देख वो हैरान रह जाता है और फौरन भागते हुए दुकान के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर चुड़ैल माँ बेटी के ऊपर पड़ती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ, अपने सामने चुड़ैल। लालू राम को अपने सामने देख चुड़ैल माँ बेटी भी बहुत बुरी तरह डर जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों अचानक से वहां से गायब हो जाती है, लेकिन बेचारा लालू राम सदमे में पहुंच जाता है। अगले दिन जब गांव के सभी लोग उसकी दुकान के पास आते हैं तो बार बार एक ही चीज बोलता रह जाता है, चुड़ैल माँ बेटी, चुड़ैल माँ बेटी, यही कहता रह जाता है। अरे लगता है रात में इसने उन चुड़ैल माँ बेटी को देख लिया होगा, तभी तो उसकी ये हालत हो रखी है, बेचारा सदमे में चला गया। लो बताओ जी, अभी तो जन्माष्टमी का दिन आया ही था, खुशियों के साथ ही जन्माष्टमी शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मुझे लगता है वो चुड़ैल माँ बेटी जन्माष्टमी वाले दिन एक एक करके सबको मारना चाहती हैं। अब बोलो क्या करें, उन दोनों को यहाँ से कैसे भगाएं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाई साहब, डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से कुछ होगा। अब हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाकर अपने गाँव के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनवा देना चाहिए। कैलाश की बातों से गाँव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी गांव के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगवा देते हैं। लेकिन गांव के बाहर जहां एक पेड़ के नीचे पहिए का घर होता है, उसमें वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी रहा करती थी। जब वो जन्माष्टमी देखने के लिए अपने पहिए के घर से बाहर निकलती हैं, तो वो गांव के अंदर दिव्य शक्तियों के कारण घुस भी नहीं पाती। ये सब कैसे हो गया, हे भगवान, लगता है कि अब हम इस जन्माष्टमी को भी सही से देख नहीं पाएंगे। आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, एक तो भगवान की दुआ से हम इतने ज्यादा गरीब थे कि जिंदा रहते तो जन्माष्टमी के त्योहार को सही से मना ही नहीं पाए,
और अब चुड़ैल बनने के बाद भी हमारा कोई फायदा नहीं है। भगवान अब आप ही हमारी मदद करो। तभी उनके पहिए के घर के पास में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी होती है उसके अंदर से अचानक ही एक रोशनी निकलती है और उसमें से श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तुम दोनों मेरी प्यारी भक्त हो और मैं अपने भक्तों को निराश नहीं होने दे सकता। अपने जन्मदिन वाले दिन इसलिए मैं तुम्हें एक दिन का वरदान देता हूँ। आज के दिन तुम इंसान बनकर इस गांव में जन्माष्टमी मना सकती हो। भगवान कृष्ण इतना कहकर वहां से गायब हो गए, जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी अचानक से इंसान के रूप में बदल जाती हैं। लेकिन अब जन्माष्टमी के मेले को देखने के लिए उनके पास एक रुपया भी नहीं था। जैसे हम गरीब मरे थे वैसे ही हम माँ बेटी अभी भी गरीब ही हैं। हमारे पास पैसे नहीं है मेला घूमने के लिए। चुड़ैल की बेटी के इतना कहते ही उसी मूर्ति के अंदर से सोने के सिक्के निकल कर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और उन सोने के सिक्कों को उठाकर वहाँ से जन्माष्टमी के मेले में घूमने के लिए पहुँच जाती हैं। अरे वाह, देखो माँ वो कितना सुंदर है ये नजारा, बहुत प्यारा है मेले का। वहाँ कान्हा और राधा का नृत्य हो रहा है, यहाँ सुदामा की कहानी चल रही है और तो और सभी लोग कृष्ण और राधा के आभूषण में घूम रहे हैं। हाँ मेरी प्यारी बेटी, चलो अब मैं तुम्हें झूला झूला कर लाती हूँ, उसके बाद हम इमरती भी खाएंगे। वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी जन्माष्टमी के मेले में बहुत ज्यादा मौज मस्ती करती हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वो दोनों अपनी असली चुड़ैल के रूप में आ जाती हैं। जैसे ही लोगों की नजर उनके ऊपर पड़ती है लोग उनसे डर कर भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक औरत उन दोनों से पूछती है, आखिर हो कौन तुम दोनों माँ बेटी जो चुड़ैल बनकर हमारे गांव को सता रही हो? अपने आप से लोगों को डरता हुआ देख उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी कहानी बताना शुरू करती हैं। हम दोनों बहुत गरीब थे और गांव के बाहर एक पहिए के घर में रहा करते थे। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम एक वक्त का खाना खा लें। लेकिन जन्माष्टमी के त्योहार पर हम अपनी पूरी कोशिशों के साथ जन्माष्टमी को अच्छे से एंजॉय करने की कोशिश करते थे। लेकिन पिछली साल जन्माष्टमी के दिन ही हमारे घर में एक दाना तक नहीं था। हम अपने कन्हैया की पूजा भी नहीं कर पाए। खाना ढूंढते ढूंढते हम अपने पहिए के घर से थोड़ा चलकर दूर आए, जहाँ हमें एक सड़क के किनारे जमीन पर पड़ा हुआ खाना मिला। जैसे ही हमने उस खाने को खाया हम उसी वक्त मर गए, क्योंकि वह खाना जहरीला था। इसी के चलते जन्माष्टमी मनाने की हमारी इच्छा हमारे साथ ही मर गई। तब से ही हम चुड़ैल बनकर इस गांव में भटक रहे हैं, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली। ये सुनकर गाँव के सभी लोगों को बहुत अफसोस होता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर चुड़ैल होने के बावजूद भी चुड़ैल माँ बेटी की जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से मनवाते हैं, जिसके चलते उन दोनों चुड़ैल माँ बेटी की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है और उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। उस दिन के बाद से गाँव के लोग जन्माष्टमी वाले दिन गरीब लोगों की मदद करते हैं और उनकी जन्माष्टमी को अच्छे से मनाते हैं। आप सभी ने जन्माष्टमी को बेहद धूमधाम से मनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी देखा है या सुना है कि भूत और चुड़ैल मिलकर जन्माष्टमी को बड़े प्यार से मना रहे हो? नहीं तो दिल थाम कर बैठिए इस दिलचस्प कहानी को देखने के लिए, जहां 3-4 चुड़ैल और भूत थे जो कि अपने भूतिया लोक से धरती लोक पर घूमने आए थे। उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था, पर वो सबको देख सकते थे। उनके आसपास काफी ज्यादा चहल पहल थी जो कि जन्माष्टमी की रौनक थी। ओहो देखो तो यहाँ पर कितनी लाइट वगैरह चल रही हैं और ये छोटे छोटे टॉयज बिल्कुल कृष्ण जी वाले हैं और बांसुरी भी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाम याद नहीं आ रहा पर ये सब लोग एक बहुत बड़े त्योहार की तैयारी कर रहे हैं और मुझे भी ये बहुत पसंद है। अरे भूल गए क्या तुम सब, ये सारी रौनक सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी आने की खुशी में है। कुछ लोग कान्हा जी के खिलौने बेच रहे हैं, कुछ लोग बांसुरियां और कुछ बच्चे मटकी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग माखन और मेवा बेच रहे हैं।
मुझे तो इन सब को देखकर इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं, मेरा भी मन है जन्माष्टमी मनाने का। मुझे तो कृष्ण जी की झांकी देखना बहुत पसंद है, क्यों ना इस बार हम भी अपने भूतिया दुनिया में जन्माष्टमी मनाएं, क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। चलो फिर जन्माष्टमी आने में शायद 4 दिन ही बाकी हैं, तो तैयारी में लग जाते हैं। हाँ यार, बहुत सारा काम है, मैं तो डेकोरेशन की तैयारी कर दूंगा, मटकी भी तो फोड़नी है। फिर सारे भूत और चुड़ैल अपनी भूतिया दुनिया में जाकर सभी भूत और चुड़ैलों को इकट्ठा करके कहते हैं, सुनो सुनो सब भूत और चुड़ैल, गौर से सुनो। काफी समय से हमने अपनी भूतों की दुनिया में किसी त्योहार का आयोजन नहीं किया। इस बार हम जन्माष्टमी मनाने के लिए बेहद उत्सुक हैं। तो क्या आप भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं? हाँ, हमें भी योगदान देना है, बल्कि जन्माष्टमी की जो भी चीज होती है वो सब एंजॉय करनी है। और मेरा छोटा बेटा है ना, उसको भी मैं छोटा सा कृष्ण जी बनाऊंगा। तो ठीक है, हम सब जन्माष्टमी की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ देर बाद ही राका अर्जुन आसपास की जगह सजावट करने लगते हैं, लड़ी लगा देते हैं और कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। वहीं मोहिनी मक्खन निकाल रही थी। जो है अलबेला मदनेनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर पाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। क्या गुनगुना रही है? ये देख मेरे पास क्या है, मोर पंख। ये तो मेरे कान्हा का है। हाँ, तू अकेले अकेले माखन क्यों निकाल रही है? मैं भी तेरे साथ करती हूँ। ज्यादा माखन निकाली होगी तो हमारे बाल गोपाल जन्माष्टमी के दिन ज्यादा खा पाएंगे। हाँ हाँ। दोनों चुड़ैल कान्हा के लिए माखन निकाल रही थी, वहीं बाकी भूत और चुड़ैल छोटा सा बाजार लगाकर जन्माष्टमी का सामान बेच रहे थे और अपनी आमदनी कमा रहे थे। तो कुछ चुड़ैल छोटे बच्चे और बड़े लोगों के लिए जन्माष्टमी के कपड़े तैयार कर रही थी। देखो ये हमारे बाल गोपाल के लिए कैसे ड्रेस रहेगी, इसके साथ बांसुरी, मोरपंख, मोतियों की माला और ये पीली धोती जिस पर राधे राधे लिखा है। ये बहुत अच्छी है, तेरा बेटा कृष्णा कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ मटके फोड़ने की तैयारी कर रहा है। अच्छा। छोटे छोटे 4-5 भूतिया बच्चे थे जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर गोल बनाकर मटकी फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरे यार, बार बार गिरा देते हो तुम लोग, सही से चढ़ाओ ना, मटकी एक ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, अब अच्छे से पकड़ना, कोई गलती नहीं। हाँ ठीक है, तो बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जी का जयकारा लगाते ही बच्चे अच्छे से घेरा बनाकर चढ़ जाते हैं और मटकी फोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना के बाद सारे भूत और चुड़ैल मिलकर उनकी आरती कर भोग लगाते हैं। वहीं सब रौनक 3 दिन तक रहती है और चौथे दिन जन्माष्टमी की इतनी तैयारी होती है कि पूरा भूतिया लोग जन्माष्टमी की रौनक में चमचमा रहा था। सारे भूत और चुड़ैल अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, कोई कृष्ण जी की ड्रेस में था तो कोई को भूतिया चुड़ैल बच्चों राधा कृष्ण बने हुए थे। तभी मोहिनी माइक लेकर कहती है, आप सभी का जन्माष्टमी महोत्सव के आयोजन में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले कुछ झांकी और डांस परफॉर्मेंस होंगे, जहाँ हमारे छोटे छोटे भूतिया बच्चों ने काफी तैयारी की है। सभी लोग उन बच्चों का ताली बजाकर स्वागत करते हैं और कृष्ण केतकी राधा कृष्ण का डांस करते हैं। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले, किसलिए राधा जले। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले। हमारे भूतिया बच्चों ने काफी सुंदर डांस किया था। थोड़ी देर का और आयोजन, उसके बाद मटकी फोड़ कंपटीशन, फिर रात में सुंदर झांकी और कृष्ण जी की पूजा। ये
उसके बाद भूत और चुड़ैल मिलकर कृष्ण जी की झांकी निकालते हैं, जिसमें एक चुड़ैल माखन लेकर जाती है और भूत उसकी मटकी फोड़कर माखन खाता है, तो दूसरी झांकी में बाल कृष्ण एक राक्षस को मार देते हैं। इसके बाद नाच गाना होता है और मटकी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। ये मेरा बेटा जाएगा कृष्ण, जीत के आना। हाँ माँ, बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बेटा मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, प्रतियोगिता कम से कम अच्छे से तो हो, पर सामने से लड़ेगा कौन? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारी कॉम्पिटिटर। चांदी की डाल पर सोने का मोर ताक जाग ताक कर नीचे का चोर। फिर दोनों भूत और चुड़ैलों की तरफ से ऊंची मटकी तक पहुंचाने के लिए घेरा बनाया जाता है, जहां वो भूतिया बच्चा भी चढ़ता है। अरे अर्जुन चाचा, जरा पीछे से पकड़िए, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है बेटा, मटकी तो मैं ही फोड़ दूंगी। एक दो तीन चार, कान्हा जी की जय जयकार, पाँच छह सात आठ, मटकी तोड़ेंगे हम ही देख। तभी वो भूत और चुड़ैल गिर जाते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। बस पर चाचू, अब अच्छे से करना, मैं उस पर पहुंचने वाला हूँ मटकी तक। बेटा जीतूंगी तो मैं ही, कितनी भी कोशिश कर लो। कम ऑन निशा, तुझे हमारी चुड़ैलों की फौज को जिताना ही होगा। इस मटकी कंपटीशन को जीत कर किसी भी तरह आ। डोंट वरी, मेरी चुड़ैल पलटना। तभी अर्जुन कृष्ण को और ऊंचा कर देता है, जिससे उसका हाथ मटकी तक पहुंच जाता है और भूतों की टोली जीत जाती है। ये आखिर हम सब जीत गए। चलो चलो, समय हो गया है, अब कृष्ण की आरती स्टार्ट करते हैं। सभी चलिए, जीतने वाली टीम को कान्हा जी को 56 भोग चढ़ाने के बाद 3 माखन की मटकी मिलेगी। ये जय श्री कृष्ण। राधी राधी, तू तो जीत गया। हाँ चिंता मत करो, मैं वो मक्खन तुझे भी खिलाऊंगा। अच्छा। फिर सभी भूतिया लोग अपने चेहरे पर राधा कृष्ण का तिलक और नाम लगवा लेते हैं, और रात के 12 बजाते ही कृष्ण जी को चुड़ैल मिलकर 56 भोग लगाती है। छोटे कन्हैया, आपके कारण हमारी भूतिया दुनिया में खुशी आ गई। हमने आपको बुलाया है और हम सदैव आपको बुलाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। बोलो नंद किशोर लाला की जय। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक बनाया है, इसको चलेगा श्याम तो हम सब मिलकर बोलेंगे। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक बनाया है, इसको शखेगा श्याम तो और हम सब मिलकर बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह वाह वाह, मजा आ गया, इस बार के जन्माष्टमी तो बेहद खास निकली। बिल्कुल सही कहा, अब तो हम हमेशा जन्माष्टमी मनाएंगे ऐसे ही मिलकर। इस तरह सभी भूत और चुड़ैल मिलकर कृष्ण जी को भोग लगाते हैं और उनके जन्म के उत्सव पर भूत और चुड़ैल और झूमने लगते हैं। आखिर आपको हमारी भूतिया दुनिया की अनोखी जन्माष्टमी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आप सभी को हमारी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।